नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रसारण में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन समस्या के बारे में, जो कि है डैंड्रफ। डैंड्रफ जो आमतौर पे हम सबको होता है और कहीं ना कहीं खास तौर से विंटर्स में बहुत बढ़ जाता है और हम इससे परेशान रहते हैं, महंगे से महंगा हम शैम्पू लगाते हैं और शायद तब भी इसको ठीक नहीं कर पाते। हम आपको बताएंगे साथियों डैंड्रफ को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में, जो इसको हमेशा के लिए ठीक करने में समर्थ हैं, आपको हमेशा के लिए ठीक कर सकती हैं। साथियों, सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि डैंड्रफ होता क्या है। आमतौर पे एक हम लोग की उत्सुकता रहती है कि साहब डैंड्रफ होता क्या है। जब भी हमारे स्किन में, स्कैल्प में डेड सेल्स हो जाते हैं या वाइट स्केली फॉर्म में उससे डिस्चार्ज होते हैं, उससे अलग होते हैं हमारी स्कैल्प की एपिडर्मिस, स्कैल्प की ऊपरी स्किन से, जब यह वाइट फ्लैक्स या स्केली टिश्यू जो है यह आपके स्कैल्प से डेड सेल्स जो होते हैं, यह स्केल्स के फॉर्म में आपके स्कैल्प से जो निकलता है वही डैंड्रफ होता है। ज़्यादातर ये विंटर्स में पाया जाता है, लेकिन ये किसी भी वेदर में हो सकता है। एक साथियों और एक मिथ रहती है, वो रहती है कि डैंड्रफ जो है वो एलर्जी है। डैंड्रफ कोई एलर्जी नहीं है, डैंड्रफ वाइट स्केल्स हैं। एलर्जी डैंड्रफ का कॉज हो सकता है, लेकिन डैंड्रफ एलर्जी नहीं होता है। अब साथियों हम लोग बढ़ते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स इसके हम सब जानते हैं, वाइट जो स्केल्स या येलो स्केल्स या ब्राउन स्केल्स जो आपके स्कैल्प में आ जाते हैं और आपको इचिंग कॉज करते हैं, वही इसका सिम्टम होते हैं। हेयर की फॉलिकल से, हेयर की आपके स्कैल्प से वो लगे होते हैं और जब आप इचिंग करते हैं तो वो निकलते हैं, गिरते हैं और आपके शर्ट, पैंट, कोट, आपके शोल्डर की तरफ वो इकट्ठा होता है और आपको एक एहसास देता है। तो इसी चीज़ साथियों आती है इसके कॉज के बारे में, इसका कॉज कि ये होता क्यों है। इसके कुछ कॉज होते हैं जो बड़े कॉमन है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है आपका स्किन का ऑयली होना। जब स्किन आपकी ऑयली होती है तो उसके पीछे रेड फ्लेक्स, रेडनेस आ जाती है और उस पर स्केल्स आ जाते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन को हम लोग सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, जो कि इसका डैंड्रफ का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है, सबसे कॉमन कॉज है। इसके अलावा साथियों दूसरा कॉज होता है कि आपका शैम्पू नहीं यूज़ करना या आपके सर को साफ ना रखना। अगर आप सर को साफ नहीं रखते हैं तो भी इसमें तमाम इन्फेक्शंस होते रहते हैं और वो डैंड्रफ को कॉज करते हैं। इसके एक साथियों तीसरा कॉज होता है डैंड्रफ का, जिसमें कि आपका ईस्ट लाइक फंगस आपके स्कैल्प पे जमा हो जाता है और ये माना जाता है ये लगभग सबके होता है। यह जो मेलेसिजिया नाम का यह फंगस होता है वह आपके स्कैल्प में रहता है और माना ये जाता है कि जो हम लोग का इम्यून सिस्टम होता है इसके विरोध में जो है वह सेल्स प्रोड्यूस करता है, एक एक्शन लेता है और वह हमारा वाइट स्केली डैंड्रफ के रूप में गिरता है। इसके अलावा साथियों जो एक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है, जब आप बहुत शैम्पूज यूज़ करते हैं, बहुत तरह के जो एलर्जिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो आपके डर्मेटाइटिस हो जाता है, उसके बाद वाइट फ्लेक्स आते हैं जो कि डैंड्रफ कॉज करते हैं। फिर साथियों एक तीसरी, एक चौथी, पांचवी, एक पांचवी एक और स्थिति आती है जब आपका जो रिएक्शन होता है, कोई भी आपको डिजीज हो जाते हैं उस स्थिति में भी आपको डैंड्रफ कॉज हो जाता है। अब साथियों ये थे इसके डैंड्रफ के कॉजेस। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो है होम्योपैथिक दवाएं। आज हम बताएंगे आपको 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं डैंड्रफ को हमेशा के लिए ठीक करने की। लेकिन उससे पहले साथियों हमेशा की तरह हम आपको बता देते चाहते हैं कि ये दवाएं आपके इंडिकेशन मात्र हैं, आपके नॉलेज के लिए है। कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन बिना किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कुशल चिकित्सक के रजिस्टर प्रिस्क्राइब करे बिना ना लें, क्योंकि किसी भी दवा का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है और जो दवा हम बता रहे हो सकता है उसके अलावा कोई दवा आपको सूट कर रही हो तो इससे दवा से आपको नुकसान होगा। तो किसी डॉक्टर की सलाह के बाद ही होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करें, उससे प्रिस्क्राइब करा लें। अब साथियों हम आपको बताते हैं इसकी 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। सबसे कॉमन स्थिति जो होती है जिससे हम लोग परेशान रहते हैं, डैंड्रफ से परेशान रहते हैं, वह है वाइट डैंड्रफ। वाइट कलर के स्केल्स फ्लेक्स हमारे स्कैल्प पे आ जाते हैं और हम उससे परेशान रहते हैं। तो अगर आपके वाइट डैंड्रफ है, इसकी दो बहुत कारगर होम्योपैथिक दवाएँ हैं, जिसमें पहली दवा है काली म्यूराटिकम और दूसरी दवा है नेट्र म्यूराटिकम। काली म्यूराटिकम 30 या काली म्यूर 30 उस स्थिति में लेते हैं जब आपके वाइट कलर के जो है वह स्केल्स आपकी स्किन में फ्लेक्स होते हैं और वह
काफ़ी ठीक मात्रा में पूरे स्कैल्प पे डिपॉजिट हो जाते हैं। अगर यह स्थिति आपके बने कि पूरे स्कैल्प पे आपके वाइट स्केल्स आ गए हैं, तो आपकी दवा निश्चित रूप से कालियम मेराटिकम है, काली म्यूर 30 है। इसका दो दो बूंद आप दिन में 3 बार ले लें। आपका जो एंटायर स्कैल्प कवर्ड बाय डैंड्रफ है, वो सिम्टम अगर आपके है, वह इस दवा से चला जाएगा। दूसरी साथियों, बहुत कारगर दवा होम्योपैथी में वाइट स्केल्स की है, वाइट कलर के डैंड्रफ की है, नेट्रम्यूर 30। नेट्रम्यूर 30 आप दो दो बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब आपको नमक खाने की बहुत इच्छा होती हो, आप थोड़े लीन थीन हो, और नेट्रम्यूर के पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशन का एक रोल होता है, उसकी गर्दन थोड़ी लंबी हो, या स्थिति साथियों अगर आप में है और उसका नेचर थोड़ा चिड़चिड़ा हो, अगर इस तरह का नेचर, इस तरह का बिल्ट और इस तरह की क्रेविंग आप में है, तो आपके लिए मुफीद दवा है नेट्रम्यूर 30। इसको आप दो दो दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं अपने वाइट इस डैंड्रफ के लिए। दूसरी स्थिति साथियों आती है जब ब्राउन डैंड्रफ हो जाता है। बहुत लोग होते हैं जिनके ब्राउन डैंड्रफ होता है। ब्राउन डैंड्रफ के लिए होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। सबसे इम्पॉर्टेंट दवा इसकी है डलकामारा। डलकामारा 200 उस स्थिति में आपके लिए ब्राउन डैंड्रफ की सबसे कारगर दवा है, जब आपके बहुत थिक स्केल्स स्कैल्प में जमा हो गए हों, और जब आप खुजली करते हों तो वो खून के साथ निकलते हो, इतनी ज़्यादा उसको खरोचते हो आप, और खुरंट ऐसे जिसे हिंदी में कहते हैं, तो वो आपके फ्लेक्स, बहुत थिक फ्लेक्स आपके स्कैल्प से अगर निकलते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं और उसमें ब्लडी डिस्चार्ज होता है, तो आपकी दवा निश्चित रूप से डलकामारा है। आप डलकामारा 200 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, तो इससे आपका यह ब्राउन कलर का डैंड्रफ दूर हो जाएगा। इसकी एक दूसरी और बहुत कारगर दवा है साथियों, मिजेरियम। मिजेरियम उस स्थिति में ब्राउन डैंड्रफ की सबसे अच्छी दवा है, जब आपके स्कैल्प में बहुत ही इंटेंस खुजली हो रही हो, बहुत ही ज्यादा इचिंग हो रही हो, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आपके लिए यह बहुत कारगर रहेगी, और आपको यह मिजेरियम जो दवा है, यह मिजेरियम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार, यह दवा आपको ब्राउन डैंड्रफ से, जिसमें कि बहुत इंटेंस इचिंग होती है, उससे निजात दिला देगी। तीसरी स्थिति साथियों आती है येलो डैंड्रफ की। आपके स्कैल्प में येलो डैंड्रफ हो गया हो और आप उससे परेशान हो, और यह बड़ी कॉमन स्थिति होती है कि येलो डैंड्रफ हो जाता है, तो यदि आपके स्कैल्प में साथियों येलो डैंड्रफ हो रहा है, तो आपकी दवा है काली सल्फ 30, या हेड रेमेडी है होम्योपैथी में वाइट कलर के डैंड्रफ दूर करने की। आपका वाइट कलर का डैंड्रफ, जिसमें कि इचिंग होती हो या ना होती हो, वह काली सल्फ 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार लेने से दूर हो जाएगा। फिर साथियों एक स्थिति आती है जब आपके स्कैल्प में इचिंग बहुत ज़्यादा हो, बहुत इंटेंस इचिंग आपके स्कैल्प में हो रही है, अगर यह स्थिति साथियों आपके आपकी बन रही है, तो इसके लिए दो बहुत कारगर दवाएं हैं, मेडोराइनम और ग्रेफाइटिस। मेडोराइनम 200 दो दो बूंद आप उस स्थिति में दिन में 3 बार ले सकते हैं, जब आपकी इंटेंस इचिंग हो, इचिंग बहुत ज़्यादा हो, सर में खुजली डैंड्रफ के साथ बहुत ज़्यादा हो रही हो, और डैंड्रफ उससे आपका झड़ रहा हो, या स्थिति साथियों अगर रहती है, तो इसकी दवा मिजेरियम 30 है, इसका मेडोराइनम 30 है, इसकी दो दो बूंद आप दिन में 3 बार ले लें, आपका यह स्केल्स चले जाएंगे। इसकी दूसरी दवा साथियों है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार, इंटेंस इचिंग, बहुत तेज खुजली स्कैल्प के साथ आप तब ले सकते हैं जब इसमें आपके डिस्चार्ज भी हो रहा हो, जो थोड़ा बदबूदार हो, जब आप स्कैल्प नोचे उसके बाद चिपचिपा पानी आया, अगर यह स्थिति साथियों आपकी हो, तो उसके लिए दवा ग्रेफाइटिस है। ग्रेफाइटिस का मरीज फेयर फैट एंड फ्लैबी होता है, थोड़ा मोटा मरीज होता है, थुलथुल टाइप मरीज जिसे कहते हैं, वह ग्रेफाइटिस उसकी दवा बनती है, और वह डार्क कलर कॉम्प्लेक्शन का होता है। फिर साथियों एक स्थिति आती है जब आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो, और वो बहुत ऑफेंसिव यानी बदबूदार हो, उसमें जो है फ्लूइड का डिस्चार्ज हो रहा हो, वो बदबूदार हो, अगर यह स्थिति साथी हो, तो इसकी दो दवा आती है, ग्रेफाइटिस और सोराइनम। ग्रेफाइटिस 30 दो दो बूंद उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है साथियों, जब आपके स्कैल्प में, जैसा हमने बताया कि फ्लूइड का डिस्चार्ज हो रहा हो, वो ऑफेंसिव हो, और अगर ये बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, तो इसकी यही दवा सोराइनम हो जाती है। सोराइनम 30 दो दो बूंद आप दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं, जब आपका डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव हो और आपको परेशान कर रहा हो।
फिर साथियों एक स्थिति आती है जब आपका जो स्कैल्प से डिस्चार्ज हो रहा है बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव हो। अगर बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है तो इसकी दो बहुत कारगर दवा है। पहली दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके इस ऑफेंसिव डिस्चार्ज के साथ में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा हो। लाइकोपोडियम 30 हेयर फॉल को आप के रोक देती है। डैंड्रफ हेयर फॉल ड्यू टू डैंड्रफ, यह स्थिति अगर आपकी बने तो इसकी लाइकोपोडियम 30 बहुत कारगर दवा है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें, आपका यह डैंड्रफ चला जाएगा। लाइकोपोडियम के पेशेंट का एक और सिम्टम होता है साथियों कि उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, हमेशा एब्डोमिन के लोअर पार्ट में गैस बनी रहती है और इसकी तकलीफें करीब 4 बजे शाम को ज़्यादा बढ़ती हैं। अगर 4 बजे शाम को आप ज़्यादा अनीजी फील करें तो आप मान लें आपकी दवा लाइकोपोडियम है। और अगर ये बहुत ऑफेंसिव आपके डैंड्रफ हो रहा है और आपके शरीर में दाने फोड़े फुंसी भी निकल रहे हैं, इस तरह की स्थितियां सर में दाने निकल रहे हैं, इरप्शंस निकल रहे हैं और उसके साथ आपको यदि डैंड्रफ हो रहा है तो उसकी दवा सुराइनम है। आप सुराइनम 1 mg वीकली ले लें 2 महीने तक, आपके दाने निकलना भी बंद हो जाएंगे, आपके सर के फोड़े फुंसी भी बंद हो जाएंगे और आपका ऑफेंसिव डैंड्रफ भी चला जाएगा। इसके अलावा साथियों एक स्थिति और आती है कि जब आपका एक स्थिति बनती है जब आपकी आईब्रोज से लेके नोज की पिट से लेके आर्मपिट से लेके जहाँ जहाँ बाल हैं ऑयल के ग्लैंड्स हैं वहाँ वहाँ आपके डैंड्रफ हो रहा है। अगर यह स्थिति साथियों हो तो इसके लिए सैनिकुला से अच्छी दवा नहीं है। आप सैनिकुला 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें तो आपकी जो आईब्रो का डैंड्रफ होता है, स्कैल्प का डैंड्रफ होता है, आर्मपिट्स का डैंड्रफ होता है, प्यूबिक हेयर का डैंड्रफ होता है, ये सारा डैंड्रफ सैनिकुला 30 से चला जाता है। इसकी आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। ये साथियों कुछ दवाएं थी आपके लिए हमेशा की तरह आपको स्वस्थ रखने के लिए। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवा मत लीजिएगा क्योंकि आपके सिम्टम हो सकता है इन दवाओं से भिन्न हो या डॉक्टर की राय भिन्न हो, तो होम्योपैथी में वो गलत नहीं है। कोई डॉक्टर आपको कोई और भी दवा दे रहा है तो आप उससे इस बात पर विवाद ना करें कि ये दवा बताई गई थी हमें। दवाएँ कोई भी हो सकती हैं, भिन्न हो सकती है, हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। कोई आपके मन में क्वेरी हो साथियों तो आप YouTube के नोटिफिकेशन में हमको लिख सकते हैं, हम आपको खुशी होगी आपको जवाब देने में, संतोषजनक जवाब देने में। या फिर हमारे WhatsApp नंबर 9415786380 पर आप WhatsApp कर सकते हैं, हमें आपकी जवाब होगी, आपकी खुशी होगी आपको कारगर जवाब देने में। अगर साथियों हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए ताकि आपके इनबॉक्स में पड़ा रहे। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपसे जुड़े रहें। और एक बेल बटन है उसको प्रेस कर दें ताकि जो नए नए वीडियो डालें वह आपके सामने आते रहें। आप इतनी देर मेरे साथ रहे, मेरी बात को सुना, मेरी बात को समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।